ईडी को अब कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लगी हैं जिसके बाद रिया को दोबारा बुलाया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल सुशांत ने कुछ प्रोजेक्ट साइन किए थे जिसका पैसा जो है रिया के अकाउंट में जमा कराया गया और ऐसी दो ट्रांजैक्शन हुई है। इसके अलावा मैंने आपको एक और ट्रांजैक्शन बताई थी गोकुलम की, गोकुलम फिल्म्स, जिसमें सुशांत ने नवंबर में कुछ लाख जमा किए और मार्च में गोकुलम ने रिया के अकाउंट में 75,000 जमा किए। तो इस तरीके से और भी डिटेल्स जो है ईडी को मिली है, जिसमें ये सामने आया है कि दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो सुशांत ने साइन किए, लेकिन उसका जो साइनिंग अमाउंट था और जो उनका वो अमाउंट था उस ब्रांड को करने का, उस प्रोजेक्ट को करने का सारा रिया के अकाउंट में डाला गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि सुशांत ने नहीं बल्कि रिया के अकाउंट में वो पैसा गया, इस बात की जांच जो है ईडी कर रही है। और ये भी सामने आया है कि वो छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा अकाउंट है जो रिया के अकाउंट में डाला गया, और इसको लेकर जो है दोबारा रिया को जो है ईडी बुलाएगी। इतना ही नहीं, 10 अगस्त को जिस तरीके से सर्वर चेंज किया गया है, आईपी एड्रेस को लेकर छेड़छाड़ हुई है लगातार जून में और अगस्त में दो बार, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कैसे जो डोमेन मेन है नेम है अब वो सेल पर रख दिया गया है, उसको लेकर भी ईडी जो है बहुत सारी जांच कर रही है और शौविक को भी इस बात के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत के प्रोजेक्ट का पैसा आखिर रिया के अकाउंट में क्यों डाला गया, क्योंकि जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी साल भर की इनकम क्या थी, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए। और जब भी एक सुपरस्टार है उनकी जो फीस है वो करोड़ों में और लाखों में होगी, और वो लाखों और करोड़ों का अमाउंट जो है वो रिया के अकाउंट में क्यों जमा किया गया, इस बात को लेकर जो है ईडी जांच कर रही है कि वो अकाउंट नंबर क्यों प्रोवाइड किया गया था, वहाँ पर पैसा क्यों जमा हुआ है, और जो आईपी एड्रेस, सर्वर, इन सब के साथ छेड़छाड़ हुई है उसके लिए शौविक को भी दोबारा ईडी बुला सकती है। तो इस तरह की खबर आ रही है कि रिया के साथ साथ शौविक को भी जो है ईडी दोबारा बुलाएगी पूछताछ के लिए।